तो गाइस, आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आपको एडवेंचर और साइंस फिक्शंस पसंद है। तो फ्रेंड्स, कि आज का हमारा जो चैप्टर है वो साइंस फिक्शन पर बेस्ड है और इस चैप्टर का नाम है द एडवेंचर। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है जयंत नार्लिकर। तो चलिए गाइस, आपको बिना ज़्यादा इंतज़ार करवाए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा ये जो चैप्टर है ये साइंस फिक्शन पर बेस्ड है और ये जो स्टोरी है ये प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो जो प्रोफेसर है वो एक हिस्टोरियन है और वो एक लेक्चर डिलीवर करने जा रहे होते हैं जिसका टॉपिक था इम्प्लीकेशन ऑफ कैटास्ट्रोफ थ्योरी ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं लेक्चर डिलीवर करने तो उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चले जाते हैं। वो कोमा में 2 दिनों तक रहते हैं। तो अब रियल वर्ल्ड में वो कोमा में होते हैं लेकिन उनका दिमाग जो है वो कोमा में नहीं जाता, वो किसी और वर्ल्ड में चला जाता है। उनका दिमाग जो है वो पैरेलल वर्ल्ड में होता है। अब पैरेलल वर्ल्ड क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो गाइस, ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। उसी के हिसाब से यह अनुमान लगाया गया है कि जैसे हमारे पृथ्वी पर हालत है और जैसे घटनाएं होती हैं उसी तरह से हमारे पृथ्वी की तरह ही एक और प्लैनेट है जहां पर सेम चीज़ घट रही होती है और वो बिल्कुल पृथ्वी की तरह सेम दिखने वाला एक प्लैनेट होता है, उसे ही पैरेलल वर्ल्ड या पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। तो प्रोफेसर का दिमाग जो है वो पैरेलल यूनिवर्स में चला गया होता है। तो अब जो प्रोफेसर है वो पैरेलल वर्ल्ड में डिस्कवर करते हैं कि जो रियल वर्ल्ड और पैरेलल वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल ही अलग है। तो पहले मैं आपको रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री बता देती हूँ। तो रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री के हिसाब से जो अफगान्स थे उन्होंने मराठास को डिफीट कर दिया था। उनके जो लीडर थे यानी कि मराठास के जो लीडर थे विश्वास राव, उनको उन्होंने किल कर दिया था। लेकिन जो पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री थी उसके अकॉर्डिंग जो विश्वास राव थे उनको बुलेट लगी ही नहीं थी, यानी कि उन्होंने बुलेट को मिस कर दिया था जिसकी वजह से जो मराठास थे वो बैटल जीत गए थे। और तो और जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पर रूल नहीं कर पाए थे, जबकि रियल वर्ल्ड में अफगान्स ने मराठास को डिफीट किया था और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे। लेकिन पैरेलल वर्ल्ड में मराठास के जीत जाने की वजह से ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया पर रूल नहीं कर पाए थे और इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी के तरफ चला गया था। तो ये थी डिफरेंस बिटवीन पैरेलल वर्ल्ड हिस्ट्री और रियल वर्ल्ड हिस्ट्री। तो चलो अब देखते हैं कि पैरेलल वर्ल्ड में प्रोफेसर के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पैरेलल वर्ल्ड में प्रोफेसर जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन से फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे बाय जीजा माता एक्सप्रेस, जो कि एक ट्रेन है जो डेक्कन क्वीन से फास्टर है। तो जब वो टाउन्स और विलेजेस को क्रॉस करते हैं तो वो एक आदमी से मिलते हैं जिनका नाम था खान साहेब, और वो इंसान अपने बिजनेस और बाकी सभी चीज़ों के बारे में प्रोफेसर से बात करता है। फिर वो दोनों विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर उतर जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन रहता है। प्रोफेसर जो है वो अपने पास ब्रिटिश ऑफिसर्स, पारसीज और एंग्लो इंडियंस को देखते हैं। तो जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्री पर देखते हैं यानी कि इंडिया में देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि रियल हिस्ट्री के हिसाब से जो उन्होंने पढ़ रखी थी कि 1857 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ख़त्म हो गई थी, वो चली गई थी। फिर वो हॉर्न बाई रोड से जाते हैं और फिर वो नोटिस करते हैं कि उनके आसपास की जो दुकानें थी, जो शॉप्स थी, वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो गाइस, इससे हमें पता चला कि ये जो बॉम्बे था वो प्री इंडिपेंडेंट बॉम्बे था, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले वाला बॉम्बे था। तो अपनी बात को फैक्ट के साथ प्रूव करने के लिए और ये जानने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, वो लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं और वो वहाँ 5 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री बुक्स जो है वो मंगवाते हैं और उनमें से एक उन्होंने खुद लिखी हुई होती है। तो वो फर्स्ट वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं जो अशोका से स्टार्ट होती है और फिर वो 4th वॉल्यूम तक आ जाते हैं। तो 4th वॉल्यूम तक उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे वो प्रूफ कर सके कि क्या सही है, उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिलता। तो जब वो 5th वॉल्यूम पर पहुंचते हैं जो कि उन्होंने खुद लिखी हुई होती है जिसका नाम होता है भाऊ साहेब बांची बाखर, तो वो देखते हैं कि उसमें बैटल ऑफ पानीपत के बारे में लिखा तो होता है लेकिन उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है और उसमें ये मेंशन किया होता है कि जो मराठास है वो बैटल जीत गए थे और जो अफगान्स है वो हार गए थे। तो
तो उसके बाद जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी की तरफ चला गया था। फिर वो एविडेंस के लिए उसकी एक कॉपी अपने पॉकेट में रख लेते हैं, तभी जो लाइब्रेरियन है वो आती है और वो कहती है कि लाइब्रेरी क्लोज करने का टाइम आ गया है, तो अब आपको जाना होगा। तो अब जो प्रोफेसर है वो आज़ाद मैदान की तरफ जाते हैं, तो ये वही जगह है जहाँ पर वो रियल वर्ल्ड में लेक्चर डिलीवर करने वाले थे ऑन इम्प्लीकेशन ऑफ कैटेस्ट्रोप थ्योरी ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो वो जब आज़ाद मैदान की तरफ जाकर देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे होते हैं और जो चेयरपर्सन की चेयर होती है वो खाली रहती है, तो वो स्टेज पर जाकर अपना लेक्चर डिलीवर करने लगते हैं। तो जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं, जो ऑडियंस है उन्हें कुछ पसंद नहीं आता और वो सोचते हैं कि ये कौन है और क्या बोल रहा है। तो सारे ऑडियंस जो है वो चीखने चिल्लाने लगते हैं और उनके ऊपर टमाटर अंडे वगैरह फेंकने लगते हैं, तो उनको वो बेसिकली डीमोटिवेट करने लगते हैं और वो नहीं चाहते थे कि जो प्रोफेसर है वो लेक्चर डिलीवर करें। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो प्रोफेसर है वो बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाते हैं और इस इंसिडेंट की वजह से जो पैरेलल वर्ल्ड में हो रहा था, तो प्रोफेसर जो है वो कोमा से बाहर आ जाते हैं। 2 दिन के बाद वो कोमा से बाहर आ जाते हैं। तो जब प्रोफेसर अपने दोस्त राजेंद्र देश पांडे के साथ ये सब शेयर करते हैं, तो वो उन्हें बताते हैं कि इसके पीछे 2 रीज़न्स हो सकते हैं, 2 थ्योरी हो सकती हैं। पहला है कैटेस्ट्रोप थ्योरी और दूसरा है लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। तो पहले कैटेस्ट्रोप थ्योरी को समझते हैं। कैटेस्ट्रोप थ्योरी में क्या होता है कि अगर कोई सिचुएशन में कोई सडन चेंज आ जाता है, इट लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर, तो उसकी वजह से जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। तो वो यानी कि राजेंद्र देश पांडे इसको बैटल ऑफ पानीपत से समझाते हैं, तो वो इसे बैटल ऑफ पानीपत से समझाते हैं। वो कहते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत में मराठास के 2 लीडर डिफ़ीट हो गए थे, कौन कौन, विश्वास राव जिसको अफगान्स ने मार दिया था और दूसरा भाऊ साहेब। तो इसका इम्पैक्ट बाकी सारे मराठास पर पड़ा था, वो अपना फाइटिंग स्पिरिट खो चुके थे, डीमोटिवेट हो चुके थे, उनका जो मोराल था वो लूज हो गया था। तो वो कहते हैं प्रोफेसर को कि जब तुम जा रहे थे लेक्चर डिलीवर करने के लिए तो तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। तो कैटेस्ट्रोप थ्योरी के हिसाब से जब प्रोफेसर का एक्सीडेंट हुआ तो एक सडन चेंज हुआ जिसकी वजह से उनका बिहेवियर चेंज हुआ, यानी कि उनके दिमाग ने ये मान लिया कि बैटल ऑफ पानीपत में मराठास जो है वो डिफ़ीट नहीं हुए थे। तो सडन चेंज यानी कि एक्सीडेंट की वजह से बिहेवियर चेंज हुआ, यानी कि हिस्ट्री जो है वो बदल गई। अब सेकेंड थ्योरी वो बताते हैं लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर होता है अराउंड न्यूक्लियस इन एटम्स, उसे डिटरमाइन या प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में चेंज होते रहते हैं, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक। तो जब ऐसा होता है तो वो एक पल्स यानी कि रेडिएशन सेंड करते हैं, तो इस रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते रहते हैं। अगर सेम चीज़ को प्रोफेसर के केस में देखें तो रियल लाइफ में भी ट्रांजिशंस होती हैं। जब प्रोफेसर लेक्चर डिलीवर करने के लिए जा रहे थे तो उनके दिमाग में भी ये बात चल रही थी कि क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती है कैटेस्ट्रोप थ्योरी की ऑन द बैटल ऑफ पानीपत। तो उस टाइम पर जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज हो जाता है, यानी कि एक तरह से ट्रांजिशन हो जाती है। अब ट्रांजिशन कैसे, तो हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहाँ हमें एक ही हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और तो और हम उस हिस्ट्री को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और हमारा माइंड जो है वो एट अ टाइम एक ही हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब जब उनके माइंड में एक सडन चेंज हुआ तो जो प्रोफेसर का माइंड था उसने पैरेलल वर्ल्ड के हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब जो प्रोफेसर हैं वो अपने आप को प्रूव करने के लिए वो कॉपी दिखाते हैं जिसको उन्होंने पैरेलल वर्ल्ड में उस लाइब्रेरी से उठाया था। तो जब राजेंद्र उस कॉपी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि देखो ये वही लेक्चर है जो तुम डिलीवर करने वाले थे,
और क्योंकि तुमने पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर लिया था, तुम्हारे माइंड ने पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर लिया था, इसी की वजह से ये सारे जो इवेंट्स हैं वो हुए। तो ऐसे जो राजेंद्र है वो प्रोफेसर को पैरेलल वर्ल्ड में जो उनके साथ इवेंट्स हुई थी उसके बारे में बताते हैं कि वो कैसे हुई।